तो गाइस सुबह सुबह रख दिया मैंने पहाड़ी गीजर में पानी और ये उबल रहा है बढ़िया करके। सो हेलो हाय नमस्कार पहला वो प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पहाड़ के इस किचन से, जो कि बहुत ही शानदार किचन है, हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। और सुबह सुबह उठते ही विनीता ने वीडियो एडिट करी और खाने बनाने में लग गई कि मनु मर्ची आज रोज साग में घूम रही हूँ के नैया डिश। अब यहाँ गाँव में खा लू नैया डिश, प्याज खान रहा है चलन मम्मी प्याज बना दी। हाँ गाइज यहाँ का प्याज बड़ा मीठा होता है तो उसी की सब्जी बनाएंगे। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाँव बूढ़ा ऐसे एक साथ चिपका हुआ गाँव है और कुछ सुन लिया मेरे बात को। क्या शर्म, क्या शर्म गाँव में जाते जा बल हमार वीडियो बना दिया बल गाँव वाला शर्म ले बहने गाइज जमे आ गया नहीं था। हाँ धूप धूप आ गई और मैं फिलहाल वीडियो एडिट कर लेता हूँ और वीडियो फिर अपलोड भी करूंगा क्योंकि कल वीडियो में बड़ा लफड़ा हुआ, दिन भर दिमाग खराब हो गया। तो गाइस बाहर वीडियो अपलोडिंग के लिए लगा के आया हूँ और यहाँ पर करने आया हूँ मैं नाश्ता और नाश्ते में आज वही प्याज की सब्जी जो कि खुद मैंने बनाई है और हमारी साली जी लेके आई है हमारे लिए दलिया, बहुत ही टेस्टी हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस दलिया दिव्या, थैंक यू बाला फॉर दिस दलिया। अरे ले ये छाछ है, इसमें ये छाछ निकाल लिए मेरे लिए, फटाफट बढ़िया पहाड़ी नाश्ता कर दें। और बना आग में तो नहीं बना रखा है, खैर चूल्हे में बनाया, लेकिन इस वाले चूल्हे में बनाया ना पुराने वाले में, फीलिंग आती है इसमें खाने में। क्यों क्या मैं इस चूल्हे में खाने की पुराने चूल्हे में। फिलहाल यहाँ से हम निकल रहे हैं और अचानक बता रहा हूँ इससे पहले तैयार व्यार होने में देर हो गई थी इसलिए अब जल्दी जल्दी निकलते हैं। और यहाँ से अब पता नहीं कहाँ ले जा रही है, गुरना उरना मंदिर दिखाता हूँ आप लोगों को आगे जाके। सो गाइस जो पीछे आपको ये गांव दिख रहा है, इसी गांव में रहती थी मेरी सपनों की मल्लिका, जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, करता था करता रहूँगा। और वो मैं हूँ ये है। तो गाइस ये वाला इनका गांव है, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर बहुत ही सुशील गांव जिस तरीके की ये है। और ये हमारी दृष्टि है और हम यहाँ से निकल चुके हैं गाइस आज, अब अभी जा रहे हैं हम गुरना, गुरना मंदिर दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और उसके बाद इनकी बुआ के यहाँ जाना है, बुआ के यहाँ का तो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये पहले ही डाल देगी बुआ के यहाँ का ब्लॉग, क्योंकि बुआ ये की बहन है, जैद ब्लॉग ये ही बना ली। तो वहाँ की जो जो चीज़ें हो पाएंगी मैं दिखाऊंगा आपको, जा रहे हैं तो अब वहाँ का चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है, आसपास की जो चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सो गाइज ये रोड आ गई तोली वाली और ये सीधा निकलती है गुरना मंदिर के पहले पहले, और अभी हम वहीं के इसी ये वाले शॉर्टकट रास्ते जा रहे हैं, वरना अगर घूम के जाएंगे तो ये जाएगा एचोली करके, एचोली से एक रोड एचोली में मिलेगा, ये वाला तोली होते हुए सीधा गुरना में शॉर्ट मिलता है ये रास्ता। गाइस ये वाली रोड है तोली की और ये रोड है NH जो कि सीधा टनकपुर जाके मिलता है और यहाँ से जाके आप सीधा पिथौरागढ़ पहुँच जाओगे और ये सीधा रोड अब हम जाएंगे इधर को गुरना मंदिर की साइड को।
गाइस पीछे है गुरुना मंदिर और अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, बनीता देवी और मैं। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, यहाँ पर सारे लोग रुकते हैं, चाहे पिथौरागढ़ से घर को जा रहे हो टनकपुर की ओर या टनकपुर से कोई इधर को आ रहे हो, सभी लोग यहाँ पर रुकते हैं और हम भी लोग यहाँ पर अभी दर्शन करते हैं। तो फिलहाल गाइस दर्शन वर्शन कर लिए हैं, टीका वीका लगा दिया हमने और दृष्टि ने भी लगा दिया, लगाया ना, अच्छा लगा। अब चलते हैं सीधा आगे। तो फिलहाल गाइज हम लोग पहुंच गए हैं और गाड़ी यहाँ पर रख दी है मैंने उधर, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा ही होता है ना, गाड़ी लगाने का रास्ता नहीं होता और इस तरीके का रास्ता है, इस रास्ते में कहाँ ही गाड़ी जाएगी। तो एक्साइट हैं लेकिन पहाड़ यहाँ वाले ले जाते हैं, लोग ले जाते हैं, ले आने को मैं भी ले आ लेता, लेकिन अब क्या है ना कि ज़्यादा खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए मुझे, जब पता ना हो। ये देखो ये गिरेगी नहीं, इतने ढलान में मुझे चलने में डर लग रही है, ये दौड़ लगा रही है इसमें। ऐसे नहीं करते हैं, आराम से पकड़ लेना इसको, गिर जाएगी, फिसल जाएगी। गाइस फिलहाल टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं और आप सोच रहे हो मैंने वहाँ ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो यार वहाँ गए फिर ये ब्लॉग बनाने लग गए, फिर सेम क्या ब्लॉग बनाए, और बाकी मेरे मतलब उतने ज़्यादा वो भी नहीं है ना वहाँ पे, इसके पहचान के हुए और इनकी बुआ लोग हुए, तो थोड़ा सा मेरे को शर्म वरम भी लगती है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो फिलहाल मैं अभी बना रहा हूँ, वहाँ तो शर्मा गया मैं, क्यों अभी तो यार मेरे को शर्म लग जाती है ना वहाँ, इसलिए मैंने कहा इस ब्लॉग नहीं बनाया। तो बाकी अभी आ गए हैं घर पे और दृष्टि भी हमारी आ गई है, ये है हमारी दृष्टि, आँख मुँह धो रही, अभी उठ गई ना, अभी सोई थी अभी तक। तो फिलहाल अब चाय वाय तो पी नहीं रहा हूँ मैं आजकल, और शर्मा गए हैं ये और शर्मा गए, पापा को देख के शर्मा गए हैं ये, शर्माना भी कोई जिंदगी है। तो गाइस ये ससुर जी हमारे बहुत ही, आपने वाले ब्लॉग में देखा होगा, बहुत ही बच्चों की तरह रहते हैं, फ्रेंकली सभी के साथ, हमारे साथ हो चाहे बड़े हो बच्चे हो, सबके साथ जैसे लोग होते हैं उनके साथ वैसे रहते हैं, और गाने तो सुने होंगे आप लोगों ने इनके, अभी भी गुनगुनाते हुए आ रहे थे, तो बढ़िया है, अच्छा लगता है, मतलब ऐसे ही रहना चाहिए इंसान को, किसी को भी बच्चों की तरह, बच्चों के साथ बच्चों। तो बाकी नहीं बोल पाएंगे, बाकी टाइम टाइम फीस ससुर जी के सामने में, सभी के सामने हो जाती है मेरी, तो मिलता हूँ थोड़ी देर। सो गाइस फिलहाल पी रहा हूँ मैं चाय शाम की, जो कि ससुर जी बना के लाए हैं चाय, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हो रही है, और साथ में है बिस्किट, वाओ। विनीता नहीं पी रही है चाय, विनीता को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे घर ही घर है ना, तो अच्छे से आगे का व्यू वगैरह नहीं दिख पाता है। तो भाई जब भी छत में आया और मैंने यहाँ देखा पीछे मेरे, देखो 1 2 3 4 टावर है, और हमारे यहाँ क्यों नन पत्तों से मैं छत में क्या होते हैं, पराल के लुट्टे या फिर पानी की टंकी हो सकती है, और क्या होता है जो भी पराला को लुट्टो मिलल मा और केने मिल परालन का लुट्टा मिलल, या टावर थन भाई, सब सपन की छतन में टावर है, टावर थन में, और सब अपन अपन छत में घूमन मरियान, हमारे यहाँ की गन्नन एल तक गड़ान में गड़ान में एल तक को बरसिम कटमरे उन्होंने, या तो अचानक ड्यूट लग रहे हैं वहाँ गौरबच्छन के भगवने,
मारी 150 गर्भच्छा है जन्म रहा उन्हें से बदबू मेरे यान वही वर्कआउट है उन लोगों का। सो गाइस खाना वाना खा लिया है, अब आराम करते हैं, बट टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। नींद आ रही है ना मेरी, तभी आवाज़ भी ऐसी हो गई है।